In listen only mode. अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका? ठीक है? कौन परेशान हो गया था ग्रुप में? अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, ग्रुप में परेशान कौन हो गया था कि आज ट्रेनिंग नहीं होगी? गुड गुड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, गुड। हाँ, आपको तो वैसे बड़ी जल्दी होती है ना कि छुट्टी हो जाए ना। ओके, दैट्स गुड दैट्स गुड। अच्छा, सीक्रेट ग्रुप में पोस्ट कर देंगे, ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है। ओके, दैट्स गुड। ठीक है, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नेहायत रहम वाला है। आप सबको एसईओ एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग के 3 मंथ्स के इस सेशन में, जिसका लेक्चर नंबर 8 है, खुश आमदीद कहता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि जो आज तक आप लोगों को सिखाया समझाया वो बड़े बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी, और जो चीज़ समझ नहीं आई वो टाइम टू टाइम आप लोगों को समझ आ जाएगी। आप लोग रिकॉर्डिंग और लेक्चर दोबारा देखोगे तो। अच्छा, कल मैंने अमेजोन के बारे में आप लोगों को बड़ा डिटेल में समझाया था, सिखाया था, ठीक है, कि आप लोगों ने अमेज़ॉन की जो है प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हुए किस किस तरह और क्या क्या चीज़ देखनी है। वालेकुम सलाम। आ जाएगी आवाज जी, आ जाएगी। वालेकुम सलाम। उसमें जो है अमेज़ॉन में मैंने ए टू जी आप लोगों को कल कंप्लीट सिखा दिया था। जैसे कि असाइनमेंट नंबर 4 पार्ट 2 ये है कि आप लोगों ने सेलेक्ट 10 अमेज़ॉन प्रोडक्ट्स, ठीक है, और फाइंड वन लॉन्ग टेल कीवर्ड। वालेकुम सलाम। हर प्रोडक्ट से रिलेटेड एक लॉन्ग टेल कीवर्ड निकालना है। कीवर्ड बाइंग कीवर्ड, ठीक है। सर्चेज इसकी हो मिनिमम 100, सीपीसी इसका आपने देखना ही नहीं है, एडवर्टाइजर कंपटीशन आप लोगों ने देखना नहीं है, केसी जिसका 35 से कम होना चाहिए,
ठीक है। आप लोगों का आवाज नहीं आ रही? आ रही है? ठीक है। ठीक है, स्क्रीन रेजोल्यूशन ओके। केसी 35 और लेस देन 35, ठीक है। और जो पैकलिंग्स होंगे जो कि पहले पेज लिंक थे वो तो ये आप लोगों की होगी बेसिकली असाइनमेंट नंबर 4 पार्ट 2। वालेकुम सलाम, ठीक है, ये आप लोगों की हो जाएगी। वालेकुम सलाम, हाँ जी, रेटिंग वगैरह मैंने कल बता दी थी, दोबारा बता देता हूँ। 4 out of 5 ठीक है। अब ठीक है, अब क्लियर है सब? ओके, दैट्स गुड। तो मैंने कहा आते साथ ही पहले पहले आप लोगों को काम थमा दूं, ताकि जो है ना जो नींदें आती हैं वो भी खत्म हो जाए। ओके 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 ठीक है। अभी हाँ जी बिल्कुल जी, नींद उड़नी है, जस्ट अ मिनट, मैं सॉफ्टवेयर निकालू। ओके अच्छा, बस राज यही है कि आप लोग जो है वक्त पे आ जाते हो, यही राज है खुश होने का जी। नींद तो डेफिनेटली 2.2 ने ही उड़ा देनी थी। Amazon के प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए एक सॉफ्टवेयर और यूज किया जाता है जिसका नाम है Amazon Hot Deal Finder। ये मैंने सॉफ्टवेयर बाय किया था WSO कहते हैं वॉरियर स्पेशल ऑफर, वहां से मैंने इसको बाय किया था। ये कोई क्रैक या नर्ड नहीं है, तो ये आप लोगों को मैं दे दूंगा, ठीक है। इस सॉफ्टवेयर के जरिए आप बड़ा इजीली प्रोडक्ट्स निकाल सकते हो, यहाँ से मेल कर दी, चूज कर ली, कैमरा फोटो सपोज और कैम रिकॉर्डर सपोज सर्च, और ये यहाँ पर लिस्ट निकाल देगा लंबी। जी जी सिर्फ अमेजोन के लिए यूज करना है इसको, ठीक है। इसको मैं राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स सर्च, ये निकालना, ठीक है।
जी सिर्फ अमेजोन के लिए है, ठीक है। ये आप लोगों को मैंने आप लोगों को कल बताया था ना कि अमेजोन में फिल्ट्रेशन नहीं है, तो हमें फिल्ट्रेशन के लिए यूज करना पड़ेगा। एजोन हॉट डील फाइंडर, ठीक है। अब आप इसको एक्सपोर्ट टू एक्सेल नहीं करोगे, एक्सपोर्ट टू सीएसवी करोगे, यहां से डेस्कटॉप, यहां से ओके, ये सॉफ्टवेयर ने फाइल रख दी, ठीक है। और ये हमारे पास जो है प्रोडक्ट का टाइटल, अच्छा इसको मैं अब क्या कर लूंगा, डाटा में जाके और फिल्टर, अब फिल्टर में क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे सेल प्राइस जो है सेलेक्ट आल को ख़त्म करके ज़्यादा वाली प्राइस जो है वो मेंशन कर दूंगा, मैं 99 डॉलर, 94, 89, 86, 85, 79, मैं लेस देन 50 वाली सेलेक्ट ही नहीं करूंगा। समझ आ रही है आप लोगों को बात की? एक्सेल यूज करना आता है या वो भी सिखा दूं? अच्छा चलो ठीक है, ओके। अच्छा अभी ये वो प्रोडक्ट्स दिखाएगा जो हमारे क्राइटेरिया को जो है मैच करती होंगी, मीट जो है वो करती होंगी बेसिकली, ठीक है। ये टाइटल है, वन बाय वन आप टाइटल जो है सर्च करवा लो, और आप सेम टाइटल पर अमेजोन पे भी, ठीक है, अमेजोन पे भी सेम टाइटल सर्च करवा सकते हो। इसको आप फाइल को सेव एज कर सकते हो और डेस्कटॉप पे सेव करके एक्सेल, तो ये बड़ा आसान जो है वो काम है प्रोडक्ट को निकालना। और इस तरह से आप लोग जो है टाइम अपना बचा सकते हो और अच्छी खासी प्रोडक्ट्स निकाल के और उनको जो है वन बाय वन गूगल एडवर्ड्स कीवर्ड प्लानर पे चेक करके उसके बाद उसका केसी आप लॉन्ग टेल प्रो पे चेक कर सकते हो, ठीक हो गया। तो ये तो है अमेजोन का कंप्लीट जो है तरीका के कैसे अमेजोन के प्रोडक्ट्स को आप लोगों ने फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा आज बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे डोमेन बाइंग सीक्रेट्स के, जो है डोमेन हम सस्ते में कैसे खरीदेंगे, उसके बाद अफोर्डेबल होस्टिंग की बात होगी, उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ डेडिकेटेड आईपी एड्रेस। बेसिकली डोमेन की जो है मेन जो टाइप्स होती है वो दो होती है, ठीक है, ब्रांड डोमेन और ईएमडी डोमेन, और एक थर्ड टाइप की होती है पीएमडी, पार्शियल मैच डोमेन, ठीक है। तो ब्रांड डोमेन क्या होती है, लाइक मैंने एक साइट जो है एडसेंस की बनाई थी और शेयर की थी, फर्स्ट बैच के स्टूडेंट ने खरीदी थी bookrar.com, ठीक। इसी तरह से आपके पास और भी बहुत सारी मिसालें हैं, लाइक गूगल है, याहू है, विकिपीडिया है, लिंक्डइन है, एंगेजिट है, आपके पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं कि ब्रांड डोमेन्स होते क्या है या ब्रांड होता क्या है, ठीक है। ब्रांड ऐसा कि जो आपके कंपनी को शो करवाए, और बेसिकली गूगल जो है वो ब्रांड डोमेन्स को प्रेफर भी करता है और मैं भी प्रेफर करता हूँ, बट फॉर गूगल एडसेंस,
टाइप साइट्स, ठीक है। तो ईएमडी क्या होता है, लाइक एग्जैक्ट मैनेजमेंट, और ये मैं रेकमेंड करता हूँ फॉर क्लिकबैंक। अच्छा, ये एग्जैक्ट मैनेजमेंट होती कैसे, सपोज हमारा कीवर्ड है टेबल टेनिस, ठीक है। अब हमने डोमेन जब लेनी है तो हमने ये इस तरह की लेनी है, इस तरह से, ठीक है। ये हमारा एग्जैक्टली कीवर्ड बीच में आ रहा होगा हर हाल में। पार्शियल मैच डोमेन में होता क्या है, लाइक हाफ पार्ट जो होता है वो कीवर्ड का वो बीच में आ रहा होता है। सपोज हमारा हमारा जो है कीवर्ड मेक मनी ऑनलाइन, तो अब हम जो डोमेन लेंगे हम इस तरह देंगे मेक मनी फ्री डॉट नेट, इस तरह, ठीक है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, अब डोमेन जो है एक जो वेबसाइट होती है एक वेबसाइट होती है बेसिकली डोमेन प्लस होस्टिंग से मिलकर बनती है, ठीक है। यानी कि कोई भी जो वेबसाइट होती है उसके लिए डोमेन प्लस होस्टिंग जब कंप्लीट होती है, यानी डोमेन और होस्टिंग जो होती है वो मिलकर एक वेबसाइट को जो है वो वेबसाइट का नाम कहलाती है। लाइक डोमेन जो होता है उसका फ्रंट एंड होता है और होस्टिंग जो होता है उसका बैक एंड होता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये इस चीज़ का पता होना चाहिए कि डोमेन क्या होता है और होस्टिंग क्या होती है। ये भी वैसे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी करूँगा। डोमेन बेसिकली किसी भी कंपनी का किसी भी वेबसाइट का नाम होता है, वो उसको डोमेन कहते हैं, जो फ्रंट एंड पे जो यूजर्स टाइप करते हैं जो नज़र आ रहा होता है, और बैक एंड पे उसकी होस्टिंग चल रही है जहाँ पे फाइल्स वगैरह पड़ी होती हैं, जहाँ सर्वर पड़े होते हैं, जहाँ से जो है वो वेबसाइट लोड हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, डोमेन डेफिनेटली डोमेन रजिस्टर करने के लिए डोमेन के रजिस्ट्रार्स होते हैं, ठीक है। डोमेन के रजिस्ट्रार होते हैं जहां से आप डोमेन बाय कर सकते हो। पॉपुलर डोमेन के रजिस्ट्रार ये हैं godaddy.com, netfirms.com, dynadot.com, enom.com, 101domain.com, namecheap.com, domains.yahoo.com, ठीक है। और भी बहुत सारे रजिस्ट्रार हैं जो टॉप ऑफ द लिस्ट है इस टाइम, जहां से आप लोगों ने डोमेन बाय करनी है, नेक्स्ट टाइम जब भी बाय करनी है यहां से बाय करनी है। One of the best company is also netfirms.com. उसके अलावा domains.yahoo.com, domains.google.com, networksolutions.com, enom.com, इस तरह से डोमेन के बेसिकली रजिस्ट्रार है जहाँ से आप डोमेन लेते हो। डोमेन की जो प्राइस होती है वो लाइक $10 से लेके और लाइक $60 तक पर ईयर की डोमेन मिलती है, पर एक साल से कम की डोमेन नहीं मिलती, और आप 10 साल तक के लिए भी रजिस्टर करवा सकते हो, ठीक है। डोमेन रजिस्टर करवाने के लिए मैं GoDaddy से डोमेन प्रेफर नहीं करता। GoDaddy एक माफिया है, एक ऐसा माफिया है कि जो आपको फंसाता है और आप उस दलदल में फंसते जाते हो, ठीक है। बट मैं भी आप लोगों को बताऊंगा कि भाई जो है वहां से आपने कैसे करना है, मैं आपको बताता हूँ अभी, ठीक है। अच्छा, डोमेन आपने जो बाय करनी होती है, तो आपने डोमेन बाय करते वक्त काफी चीजों
का जो है वो ध्यान रखना होता है कि आप डोमेन जो बाय कर रहे हो आए के वो रजिस्ट्रार जो है ये कह लो कि ऑथेंटिक है कि नहीं है। उसके लिए आप लाइक गूगल कर सकते हो, किसी भी रजिस्ट्रार के बारे में आप मालूमात ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, वैसे तो जो जो भी डोमेन की प्राइस होती है वो $10 से स्टार्ट होती है और $60 तक जाती है, ठीक है, कम अज कम। अच्छा, और कम अज कम 1 साल के लिए डोमेन रजिस्टर होती है। आप जो है वो ज्यादा साल के लिए डोमेन रजिस्टर करवा सकते हो। अच्छा, एक चीज का आप लोगों ने ध्यान करना है कि जहां से डोमेन लेनी है वहां से होस्टिंग नहीं लेनी, जहां से होस्टिंग लेनी है वहां से डोमेन नहीं लेनी, ठीक है। अच्छा, और आपने जो डोमेन स्टार्ट में डोमेन जो है स्टार्ट में आपने बाय करनी है वो या .com होगी, .net होगी, या .org एक्सटेंशन होगी, ठीक है। इनके अलावा एक्सटेंशन में आप लोगों ने जो है वो डोमेन कहीं और से बाय भी नहीं करनी। बाकी मजीद एक्सटेंशन में लाइक बिज है, .info है, ठीक है। न्यू एक्सटेंशन में .io बहुत अच्छे एक्सटेंशन है बट कॉस्टली है, काफ़ी $35 की है। डॉट क्लब आई है, डॉट स्टोर आई है, डॉट PW आ चुकी है, ठीक है। इस तरह के काफ़ी एक्सटेंशन आपको मिल जाएंगी, मगर आप लोगों ने जो है रजिस्टर करवानी है जनरल एक्सटेंशन .com, .net या .org, ठीक है। और कोशिश करनी है कि वन वर्ल्ड ब्रांड डोमेन आपको मिल जाए, वन वर्ल्ड, जैसे OLX है जी, ठीक है। अच्छा, तो जहां से डोमेन लेनी है उस रजिस्ट्रार से होस्टिंग ले ली, जहां से होस्टिंग लेनी वहां से डोमेन नहीं लेनी। और डोमेन खरीदने से पहले आपने मेक श्योर कर लेना है क्या है कि वो डोमेन पहले कहीं रजिस्टर तो नहीं थी। उसके लिए आपने wayback machine.com को यूज करना है, ये टूल है। ये जब भी कोई नई डोमेन लेनी है उससे पहले चेक करना है वे बैक मशीन पे क्या है कि वो डोमेन पहले किसी ने रजिस्टर तो नहीं करवाई। सपोज मैं बाय करने जा रहा हूँ amfaizan.com, सपोज मैं बाय करने जा रहा हूँ amfaizan.com, अगर यहाँ पे मुझे डाटा कोई मिल गया इट मीन्स ये डोमेन पहले से रजिस्टर है। ये देखिए 35 टाइम जो है वो स्क्रीनशॉट्स इस वेबसाइट ने ली है। ये वेबसाइट बेसिकली हर वेबसाइट का डाटा इसके पास मौजूद होता है, ठीक है। वे बैक मशीन बेसिकली है ही ऐसा टूल जिसके पास दुनिया की हर वेबसाइट का ओल्ड डाटा मौजूद होता है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें अगर ये इस तरह से स्पाइक दिखा दे, डेटा दिखा दे, इट मीन्स कि डोमेन पहले रजिस्टर हो चुकी है, उस डोमेन को आपने खरीदना नहीं है। अगर सपोज कोई मैं नाम सर्च करता हूँ, मैंने AAA लगा दिया, अब ये देखो ये इसने लिखा है वे बैक मशीन डजंट हैव दैट पेज आर्काइव्ड, इट मीन्स कि ये डोमेन बिल्कुल लेटेस्ट है। अगर आप इसको रजिस्टर करवाओगे तो आप पहले बंदे होगे जो उस डोमेन पे काम करोगे। तो हर बंदे ने डोमेन को बाय करने से पहले हर बंदे ने यहाँ पे चेक करना है वे बैक मशीन में, ठीक है। उसके बाद आपने उसकी अवेलेबिलिटी चेक करनी है who.is पे, who.net पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई डाटा भी शो नहीं करवा रहा। अच्छा, उसके अलावा असल जो जगह है चेक domain.com, ठीक है, या फिर आप चेक करोगे namecheap.com। गो डैडी पे आपने डोमेन अपनी चेक नहीं करनी क्योंकि वो
ऐसे जबरदस्त तरीके से आपके डोमेन ले जाते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता। सब फ्री के टूल है। स्टिल अवेलेबल बता। .xyz भी अच्छी एक्सटेंशन नहीं है। बेसिकली होता क्या है कि आप जब जब भी कोई डोमेन बाय करने लगते हो ना, उसकी प्राइस स्टार्ट होती है $10 से, और मैंने गाइस $60 तक जाती है जनरल एक्सटेंशन। जनरल एक्सटेंशन काफ़ी ऐसे डोमेन भी हैं जो एक एक साल के लिए $90-$90 की, $100-$100 की मिलती है, ठीक है, बिल्कुल ब्रांड न्यू डोमेन, बट वो एक्सटेंशन है ही काफ़ी कॉस्टली, ठीक है। अच्छा, तो आप लोगों ने तो बाय करना ही जनरल एक्सटेंशन से कोई एक्सटेंशन है, चाहे आप एडसेंस की साइड पर काम कर रहे हो, चाहे आप क्लिक बैंक की, चाहे आप अमेजोन की, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप बेसिकली जो है अपने पैसे बचा सकते हो। एक मेथड होता है, उसको कहते हैं कूपन कोड, ठीक है। कूपन कोड आप यूज करके और जो है अपने पैसे सेव कर सकते हो। दो रजिस्ट्रार हैं, बल्कि काफी रजिस्ट्रार हैं जहाँ पे कूपन कोड लग जाते हैं, उनमें से सबसे ज्यादा जो मशहूर रजिस्ट्रार है वह है GoDaddy.com। GoDaddy.com पे आप जाते हो, सपोज यही डोमेन है, सपोज यहाँ पे मैं फाइंड करता हूँ। कंटिन्यू टू कार्ड करता हूँ। कंटिन्यू टू कार्ड करता हूँ। यहाँ पर मैं एक और टाइम में लिखता हूँ GoDaddy कूपन कोड, ठीक है। जून चल रहा है, जून 2016। आपको बेतरी साइटें मिल जाएंगी, बहुत सी साइटें मिल जाएंगी जो आप लोगों को कूपन कोड जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। ये है $4 में डोमेन आपको मिल जाएगी। एक ओपन कोड मैंने कॉपी किया, ठीक है, और GoDaddy में यहाँ पे ये 2 ईयर्स दिखा रहा है, इस पर 2 ईयर्स पर मैंने क्लिक किया, इसको 1 ईयर कर रहा हूँ, ठीक है। प्राइवेसी अनेबल। अच्छा, प्राइवेसी प्रोटेक्शन आप अनेबल रखोगे तो इससे आपको ये फायदा होता है कि आप जो है आपकी जो हुईज है, यानी कि आपके क्रेडिट कार्ड की जो डिटेल होती है, उसमें जो आपका बिलिंग एड्रेस होता है, उसकी बेस पे आपकी डोमेन रजिस्टर हो जाती है, ठीक है। तो वो कोई भी नहीं देख सकेगा। इनिशियली जब आप डोमेन को बाय करते हो तो उसमें प्राइवेसी प्रोटेक्शन जो है वो डिसेबल होती है, क्योंकि प्राइवेसी के सेपरेट पैसे होते हैं, ठीक है। तो मैं प्रेफर करूंगा कि अगर आप प्राइवेसी के साथ बाय करो तो वो डोमेन जो है वो आपके लिए, आप यानी कि अपने डोमेन को प्राइवेसी के साथ बाय करो तो आपके लिए बड़ा फायदा होता है। फायदा इस सेंस में होता है कि आप आपको डिफरेंट लोग जो है वो तंग नहीं कर सकते, ठीक है। मैंने कोड अप्लाई कर दिया, ठीक है, और ये देखो ये डोमेन कितने की मिल रही है, अभी थोड़ी देर पहले ये डोमेन कितने की थी और अभी कितने की मिल रही है, आप लोगों नजर आ रही है। पहले डोमेन कितने की थी और अब कितने की हो गई है, 1700 की डोमेन थी,
1735 ऐसे कुछ था, ठीक है, 1700 की डोमेन थी और अब ये 400 रुपए की हो गई, ठीक है, और प्राइवेसी भी इसके साथ अनेबल है, ठीक है। ये प्रोमो कोड मैंने निकाला, ठीक है, प्रोमो कोड कहाँ से निकाला, ये लिखा हुआ है $4 फॉर .com डोमेन एंड हुईज प्रोटेक्शन। आप लोगों को हमेशा जहन में रखना कि सबसे ज्यादा जो आपको प्रोमो कोड मिलेंगे वो GoDaddy के मिलेंगे, और सबसे ज्यादा जिस एक्सटेंशन के लिए मिलेंगे वो .com, .net या .org एक्सटेंशन है। .com के सबसे ज्यादा पड़े होंगे, .net और .org के उससे कम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप जो है, अगर आपका फर्स्ट टाइम आप लॉगिन हो रहे हो तो आप जो है रजिस्टर पर चले जाओगे, अगर आप पहले से आपका अकाउंट बनाया हुआ है GoDaddy पे तो आप साइन इन कर लोगे। साइन इन करने के बाद आप अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल दोगे और आप डोमेन को जो है वो बाय कर लोगे, ठीक है। तो ये सिंपल सा तरीकाकार है डोमेन को बाय करने का। अच्छा, जब आप डोमेन को बाय कर लेते हो तो आपको मिलता है डोमेन कंट्रोल पैनल, ठीक है। इसके बारे में मैं आप लोगों को जो है वो थोड़ा सा और मजीद गाइड करता चलूँ। डोमेन कंट्रोल पैनल में जिसके जरिए हम अपनी डोमेन को होस्टिंग के साथ अटैच करते हैं उसको कहते हैं DNS, डोमेन नेम सर्वर, ठीक। इसके जरिए हम जो है डोमेन को होस्टिंग के साथ अटैच करते हैं, यानी कि जो ये डोमेन में, डोमेन के कंट्रोल पैनल में हर डोमेन के अंदर DNS की सेटिंग होती है। हम जब होस्टिंग रजिस्टर कर लेते हैं, होस्टिंग खरीद लेते हैं, उसके बाद हमें जो है DNS प्रोवाइड किए जाते हैं होस्टिंग की तरफ से। वो ऐसे कुछ होते हैं लाइक ns1.host.io ns2.host.io, तो आप होस्टिंग की तरफ से जो नेम सर्वर होता है वो आप डोमेन में पुट कर देते हो तो आपकी डोमेन जो है होस्टिंग के साथ अटैच हो जाती है। ये डोमेन के बारे में जो सीक्रेट्स थे, कैसे आपने बाय करनी है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और हुईज प्रोटेक्शन के साथ बाय करोगे तो आप सुकून से रहोगे, वरना आपको काफ़ी लोग तंग करेंगे। लाइक अक्सर लोग आपको धमकी देते हैं आके, क्योंकि हमको ईमेल एड्रेस पता चल जाता है। कहाँ से ईमेल पता चलता है आप लोगों को याद है साइट बताई थी हुईज लुकअप की, हुईज डॉट नेट जैसे है साइट, अब यहाँ पर मैं सारी इसकी डिटेल मेरी जो है वो ओपन है, ठीक है, इसमें भी जो है वो कम डिटेल दिखा रहा है। तो वन एंड वन से डोमेन वगैरह होस्टिंग वगैरह कुछ भी नहीं लेना, उनकी सपोर्ट बहुत खराब हो गई, ठीक है। यहाँ पर आप ये देख सकते हो मेरा ये ईमेल आईडी नजर आ रहा है, ये मेरा फोन नंबर नजर आ रहा है, ये मेरा घर का एड्रेस नजर आ रहा है। तो हुईज प्रोटेक्शन अगर नहीं लगाते तो आपकी सारी डिटेल पब्लिकली नजर आ रही होती है, ठीक है, जो जो कि ठीक नहीं है। आपकी साइट जो पॉपुलर होती जाती है, आपको लोगों की तरफ से ऑफर्स आने लग जाते हैं जो कि आपको इरिटेशन, जिससे आपको होने लग जाती है, ठीक है। अच्छा, आप होस्टिंग के लिए मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि होस्टिंग जितनी अच्छी होगी उतनी ज़्यादा आपकी साइट स्पीडी लोड होगी, और गूगल का ये एक फैक्टर है कि जो साइट जितनी तेज़ी से लोड होती है गूगल उस साइट को जल्द से जल्द रैंक करता है, ठीक है। तो आप लोगों को जो है वो इसका पता होना चाहिए कि होस्टिंग क्या होती है और होस्टिंग की क्या जो है किरदार है हमारी SEO में, हमारे जो है इस काम में। होस्टिंग बेसिकली तीन तरह की होती है, एक होती है शेयर्ड होस्टिंग, एक होता है VPS होस्टिंग, एक होता है डेडिकेटेड सर्वर, डेडिकेटेड होस्टिंग या सर्वर। इसके बारे में आप लोगों को मैं इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीक उसमें बताऊंगा, और उसके बाद इंशाल्लाह फ्रीलांसिंग भी होगी। अभी जो है इस चीज़ को आप लोगों ने जहन में रखना है कि 3 से 5 सेकंड के अंदर अंदर अगर साइट लोड ना हो तो यूज़र आपकी वेबसाइट को बंद करके चला जाता है। दूसरे नंबर पर जो है किसी भी वेबसाइट की जो है रैंकिंग का जो सबसे पहला इन्हसार होता है वो अच्छे डोमेन रजिस्ट्रार पे और अच्छी होस्टिंग प्रोवाइडर पे होता है, ठीक है।
अरे डोमेन का कंट्रोल पैनल कैसा होता है मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दूं। जस्ट होल्ड ऑन, मैं अपने गोडेडी अकाउंट में लॉग इन हो रहा हूं। जी अब होस्ट मैं खुद मैनेज कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली सर्वर कैसे होंगे? आप ये बात मुझसे पूछ रहे हो, आप डिसाइड रैंक नहीं करी, आप होस्ट डाटा हो गए। पढ़िए जी, जी जी आप होस्ट डाटा हो। अपने डोमेन कंट्रोल पैनल में आ गया हूँ, पहले godaddy.com पे साइन इन हो गया हूँ, उसके बाद मैंने डोमेन पे क्लिक किया और ये डोमेन का कंट्रोल पैनल है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से अपने डोमेन को पूरा मैनेज कर सकते हो। लाइक ये जो है प्राइवेसी, ये जो एक तो होस्ट प्रोटेक्शन होती है, एक होता है लॉक। इस लॉक का ये फायदा होता है कि आप डोमेन किसी दूसरे रजिस्ट्रार पर ट्रांसफर नहीं हो सकती जब तक कि ये डिसेबल ना हो, ऑफ ना हो। ठीक है, इस टाइम ऑन है, ये बहुत अच्छी बात है। इससे आपकी साइट जो है वो कोई अपने जो है वो दूसरे रजिस्ट्रार पे ट्रांसफर नहीं कर सकता। अच्छा, ये है नेम सर्वर वाला ऑप्शन जो मैं अभी आप लोगों को बता रहा था कि आप लोगों को जो होस्टिंग प्रोवाइडर की तरफ से दिए जाएंगे वो होंगे नेम सर्वर, जो कि आप अपने डोमेन के कंट्रोल पैनल में आके अपडेट करोगे। ठीक है, एडिट नेम सर्वर, यहाँ पे आके आप दे दोगे लाइक NS1 और आप होस्ट NS2 और आप होस्ट, इसका ओके करोगे, उसके बाद दोबारा से ओके करोगे, सेव करोगे और ये आपके जो है नेम सर्वर अपडेट हो जाएंगे। अरे उसके बाद यहाँ से आप जो है होस्ट नेम्स बना सकते हो। होस्ट नेम का ये फायदा होता है कि आप जो है अपने ही नेम सर्वर क्रिएट कर लेते हो, लाइक ns1.yourdomain.com, इसको कस्टम नेम सर्वर भी कहते हैं। इस चीज को बनाने के लिए आपको अपनी होस्टिंग प्रोवाइडर से बात करना होती है और उसको कहना होता है कि आप मुझे मुझे मेरे डोमेन का आईपी एड्रेस बता दो जहाँ पर वेबसाइट होस्ट है, तो वो आपको लाइक इस तरह से कुछ दे देंगे आईपी एड्रेस। यहाँ से आप लाइक NS1 या DNS1, ठीक है, सेव कर दोगे। तो ये अगर आईपी एड्रेस इनवैलिड होगा तो ये बता देगा। इस तरह से आप वन बाय वन दो दो जो है कम से कम नेम सर्वर और ज्यादा से ज्यादा जितने मर्जी 4, 8, 10, 12 लोड बैलेंसिंग के लिए आप डिफरेंट बना सकते हो। जी जी नेम जो आपका आईपी एड्रेस होता है उसी पैनल में भी होता है, आप अपने होस्टिंग प्रोवाइडर से भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये है लाइक आप कस्टम नेम सर्वर बना सकते हो। डोमेन ट्रांसफर पर क्लिक करोगे तो ये आपको प्रोसेस बताएगा कि आप डोमेन को कैसे दूसरे रजिस्ट्रार पर भेज सकते हो। अच्छा, डोमेन ट्रांसफर करने के लिए एक तो इसका ऑफ होना जरूरी है, दूसरा आपके पास ऑथोराइजेशन कोड का होना बहुत जरूरी है जो कि ईमेल में जाएगा इस डोमेन को रजिस्टर करवाते वक्त जो भी ईमेल यूज किया गया था उस पे। ठीक है, अच्छा तो आप यहाँ ईमेल में कोड पर क्लिक करोगे तो आपको ट्रांसफर का कोड आ जाएगा जिसको ऑथोराइजेशन कोड भी कहते हैं या ट्रांसफर कोड भी कहते हैं। इसकी जरूरत होगी आपको डोमेन किसी दूसरे रजिस्ट्रार पर ट्रांसफर करने के लिए, लाइक ये गोडेडी है तो आप हो सकता है नेट की पे ट्रांसफर करवाना चाह रहे हो या याहू पे। वैसे हमेशा ध्यान रखिएगा एक ही पहले दिन से एक ही आपका डोमेन का रजिस्ट्रार होना चाहिए और एक ही आपका होस्टिंग प्रोवाइडर होना चाहिए। बार बार होस्टिंग नहीं चेंज करते, बार बार डोमेन रजिस्ट्रार भी नहीं चेंज करते, वरना साइट आपकी बैठ जाती है। कम से कम दो और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती। अच्छा, यहाँ कॉन्टेक्स्ट में आके आप एडिट ऑल कॉन्टेक्स्ट में कॉन्टेक्स्ट से तमाम डिटेल चेंज कर सकते हो, लाइक रजिस्ट्रांट, एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, टेक्निकल एंड बिलिंग। ठीक है, तो आप इजीली तमाम डिटेल्स अपडेट कर सकते हो ताकि कोई भी बंदा आपको तंग ना कर सके। बट फेक नहीं देनी, क्योंकि डोमेन जिसके नाम पे है वो डिटेल वगैरह बाकी एड्रेस वगैरह बेशक आप चेंज कर दो और ईमेल एड्रेस भी आप कोई ऐसा दे दो जिसको आप यूज ज्यादा ना करते हो, फोन नंबर भी। ठीक है,
बट वैलिड ईमेल एड्रेस होना चाहिए। तो ये सिंपल सा तरीका कर। अच्छा, इसमें इसके अलावा GoDaddy और इस तरह के अच्छी जो रजिस्ट्रार, अच्छे से मुराद ये है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर रजिस्ट्रार है, इनमें ये ऑप्शन होता है कि आप जो है डोमेन को पुश कर सकते हो। डोमेन पुश का ऑप्शन होता है, यह है अकाउंट चेंज का बटन, इस पर आप क्लिक करोगे, उसके बाद आप जो जिस बंदे को ट्रांसफर कर रहे हो उसकी उसका ईमेल एड्रेस दे दोगे, उसके पास भी GoDaddy का अकाउंट होना चाहिए, फ्री अकाउंट। यहाँ पर डू नॉट चेंज का ऑप्शन, एडिट कीप द करंट नेम सर्वर पर क्लिक करना है। आई हैव द रिसेप्शन कस्टमर अकाउंट और यूजर नेम, ठीक है, यहाँ ईमेल उसका, यहाँ उसका यूजर नेम उसका GoDaddy का, क्योंकि GoDaddy टू GoDaddy डोमेन पुश हो सकती है इजीली, और विद इन 15 to 20 मिनट्स या 30 मिनट्स एक से दूसरे अकाउंट में डोमेन ट्रांसफर हो जाती है, और जो रजिस्ट्रार ट्रांसफर होता है उसमें 7 से 10 दिन लगते हैं, ठीक है। तो आप इजीली डोमेन जो है ट्रांसफर कर सकते हो किसी दूसरे GoDaddy के बंदे को। जब आप डोमेन बेचते हो तो आप पुश डोमेन का ऑप्शन यूज करते हो, जिसे यहाँ पे अकाउंट चेंज का ऑप्शन कहते हैं। आप इसको डायरेक्टली लिस्ट भी कर सकते हो GoDaddy ऑप्शन पे, ठीक है, और रिन्यू भी आप मजीद इसको पहले से ही करवा के रख सकते हो। तो ये है डोमेन कंट्रोल पैनल, और इसको सारा समझना कि ये कैसे ऑपरेट करते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ डेडिकेटेड आईपी। बेसिकली आप जब होस्टिंग बाय करते हो तो होस्टिंग बाय करने के बाद आप, जैसे मैंने आप लोगों को बताया अभी कि होस्टिंग के तीन जो है वो तीन तरीके की होस्टिंग बेसिकली होती है, 3 types ऑफ होस्टिंग, शेयर्ड होस्टिंग, VPS होस्टिंग एंड डेडिकेटेड होस्टिंग। तो जो शेयर्ड होस्टिंग होते हैं, सबसे स्टार्ट में आपने शेयर्ड होस्टिंग लेनी होती है, और इस पर एक वक्त में 10 से लेके और तकरीबन 100+ यूजर एक ही आईपी एड्रेस यूज कर रहा होता है, जो कि बात बड़ी शॉकिंग है। शॉकिंग इस सेंस में है कि एक ही आईपी एड्रेस को, यानी कि एक ही कंप्यूटर को बहुत सारे लोग जो है एक्सेस कर रहे होते हैं अपनी वेबसाइट को रन करने के लिए। शेयर होस्टिंग सस्ती होती है, ये स्टार्ट होती है लाइक $1 से स्टार्ट होती है और तकरीबन $10 पर मंथ तक जाती है, ये पर मंथ भी हो सकती है, बट रिकमेंडेड यही है कि कम से कम एक साल की होस्टिंग लेनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, शेयर होस्टिंग बेसिकली इसमें मैंने वैसे बताया 10 से 100 यूजर कम से कम होते हैं एक शेयर होस्टिंग के अकाउंट पे। तो जो डेडिकेटेड आईपी एड्रेस होता है उसका ये बेनिफिट होता है कि वो आईपी आपकी डोमेन को या आपकी डोमेन्स को एटलीस्ट अलॉट हो जाते हैं, तो आपकी डोमेन जो है सिक्योर हो जाती है, किसी और की साइट पर अगर पेनल्टी लगती भी है तो आप अपनी आपकी साइट जो है वो सेफ हो जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ का डेडिकेटेड आईपी का एसईओ में बहुत ज़्यादा किरदार है, जो कि ना कभी पहले ख़त्म हो सकता था, ना आज ख़त्म होता है, ना आने वाले कभी दिनों में जो है वो ख़त्म होगा, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को जो है एक मैं डोमेन बाय कर लेता हूँ आप लोगों के सामने, और फिर जो है उसको होस्टिंग के साथ उसके जरिए होस्टिंग कैसे लेनी है, और उसके बाद फर्दर जो है उसको हम कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं मुझे एक ही वेबसाइट पे आप लोगों को एज अ डेमो करके भी दिखाना होगा। यही बाय कर देता हूँ, अच्छा ग्रुप में जो है जिसको इश्यू आ रहा है ज्वाइन करने का, तो आप उसकी हेल्प कर दो। लाइक अभी एक न्यू स्टूडेंट को ऐड किया था साकिब बलोच को, तो आप उसको भी हेल्प कर दो कि वो आज का लेक्चर जो अटेंड कर सके।
ठीक हो गया। अच्छा मैं ये डोमेन इसको आप प्लस पे क्लिक करो, कार्ड ही बटन पे यू कार्ड। You got confirm order, pay now। यानी इसमें पहले से ही ना बैलेंस ऐड करके रखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग भी इसमें प्री पे जो है वो कर सकते हो, यानी कि पहले से बैलेंस ऐड करके रख सकते हो। तो आप जो है डोमेन उसी वक्त जो है जब भी आप डोमेन कोई ये एक किस्म की ईएमडी ही है बेसिकली, बट मैंने तो ऐसे ले लिया था कि आप लोगों को मैं इस पे डेमो करके दिखा सकूं, ठीक है। sct8batch.xyz मैंने इस पे क्लिक किया, मैंने जस्ट दिस कार्ड आई थिंक सो इस पे यूज हो जाएगा। मैं तो इस पे अपना स्टैंडर्ड चार्ट रखा हूँ, हाँ जी मैं तो इस पे स्टैंडर्ड चार्ट रखा हूँ यूज कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड चार्ट का कार्ड, ठीक है। और पेपाल यूज कर रहा हूँ, और मैं यूज कर रहा हूँ पेयोनीर। जी जैसे ठीक लगे आपको, ठीक है ओके। उसके बाद जो है यहाँ कस्टम नेम सर्वर में बेसिकली आप उस जो है जो भी होस्टिंग प्रोवाइडर उसके नेम सर्वर अपडेट करते हैं। अभी मैं जो है होस्टिंग लेके दिखाता हूँ, आप host.io इसका सपोज $12 वाला पैकेज है। अच्छा यहाँ पर मैं ये बात बताता चलूँ कि जिसने पार्स में जो है फीस पे की है उसको $12 साल वाली होस्टिंग मिलेगी, जिसमें आप मैक्सिमम 2 साइटें रन कर सकोगे, ठीक है। और जिसने लमसम फीस पे की है या जो इस वीक में फीस सबमिट करवा के क्लियर कर देगा, क्योंकि वैसे भी सेकंड मंथ से पहले जो है वो फीस सबमिट करवानी है, जो इस वीक में फीस सबमिट करवा के और लाइक लमसम पे करके जो है वो ज्वाइन इसको जो है फीस क्लियर कर लेगा, तो उसको जो होस्टिंग बेसिकली मिलेगी वो $39 वाली मिलेगी, जिसमें अनलिमिटेड डोमेन जो है आप ऐड कर सकते हो। और हमेशा जहन में रखिएगा जब भी आपने कहीं से भी होस्टिंग लेनी है तो ये जहन रखिएगा कि आपको ये मेक श्योर कर लेना है कि आपको अनलिमिटेड साइट्स वाली होस्टिंग मिल रही है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे पेपाल है, पेजा है, अभी मैं इसको साइन अप कर रहा हूँ स्टार्टर को। पेपाल है, पेजा है, क्योंकि हमने डोमेन ऑलरेडी बाय कर ली है। आई विल यूज माई एग्जिस्टिंग डोमेन एंड अपडेट माई नेम सर्वर। यहां पे जो है $12 एनुअली वाली
कंटिन्यू। क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन, यहाँ पेपाल से पे कर सकते हो क्रेडिट कार्ड के थ्रू। चेकआउट, वो यहाँ आप सारी डिटेल पुट कर दोगे अपनी। पेपाल या पेसा, सारी डिटेल ठीक होंगी तो ये पेपाल के पेज पे, या अगर पेजा सेलेक्ट किया हो तो पेजा के पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो है इसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, आप जब जो है वो पे कर दोगे और उसके विद इन 12 आवर्स या 4 आवर, 6 आवर, जैसे ही आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो जाएगा तो आपका अकाउंट फौरन जो है वो होस्टिंग अकाउंट है वो मिल जाएगा। ठीक है, और आपके बिलिंग एरिया जो है ऑलरेडी क्रिएट हो चुका होता है जैसे ही आप सारी डिटेल देते हो। तो इस तरह से आप डोमेन और लाइक डोमेन आपके सामने मैंने बाई किया और होस्टिंग के लिए भी अप्लाई कर दिया। इसको हम बेसिकली कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीक से कि कैसे जो है आपने ये यहाँ पे जो हमने डोमेन लिए यहाँ पर आप नेम सर्वर अपडेट करोगे nsone.com.in, ये आपको नेम सर्वर मिलेंगे ईमेल के जरिए। जैसे आपका अकाउंट अप्रूव होगा तो आपको जो है वो एटलीस्ट 2 नेम सर्वर मिलेंगे, कम से कम 2 नेम सर्वर। ज़्यादा बास होस्टिंग प्रोवाइडर 4 भी देते हैं, 3 भी देते हैं, 8 भी देते हैं, 6 भी देते हैं, तो वो आपका होस्टिंग प्रोवाइडर जो है वो आपको देता है। ठीक है, तो वो नेम सर हमें यहाँ पर अपडेट कर देने का, ठीक, ताकि जो है वो डोमेन जो है होस्टिंग के साथ अटैच हो जाए। तो ये होस्टिंग अकाउंट में लॉगिन कैसे होना है या फिर आपने इस पे जो है फर्दर काम कैसे स्टार्ट करना है ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में बताऊँगा। अभी जो है और नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह जो है फ्रीलांसिंग पे ट्रेनिंग होगी कम्प्लीट A to Z, उसमें मैं फाइवर सिखाऊंगा ताकि आप लोगों का जो है वो आप लोगों की अर्निंग जो है इसी ट्रेनिंग के दौरान स्टार्ट हो सके जैसे कि बाकी स्टूडेंट्स की होती है। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर लेने से पहले आप लोगों ने अपनी फीस क्लियर करनी है। ठीक है, ताकि आप लोग नेक्स्ट लेक्चर इजीली ले सको। अभी मैं जिसका नाम लूंगा वो क्वेश्चन कर सकता है। अब्दुल मुनीब कमर, अदीना मुश्ताक, बिलाल, फवाद अहमद, फजल फजल अजीम, इकबाल अहमद, जावेद हुसैन, जुनेद नजम, लारे मुख्तार, मामून अशरफ, महक खालिद, मिर्ज़ा हम्माद अहमद, मोहम्मद तलहा। गोडेडी से एक कार्ड मल्टीपल डोमेन, हाँ जी गोडेडी पे एक कार्ड से मल्टीपल डोमेन तो ले सकते हो मगर एक कूपन एक कार्ड पे एक ही दफा चलेगा। अब्दुल मुनीब जो मैं तरीकाकार सिखाऊंगा उससे आप नया जो है वो अकाउंट बना के चल सकते हो, नेक्स्ट वीक में बताऊंगा। ठीक है, क्लिक में नंबर इनसाइड के लिए डोमेन एक्सपायर्ड हाई अथॉरिटी होनी चाहिए।
यार जुनेद, यहाँ पे जो भी काम करना है ना, बिल्कुल स्क्रैच से करना है। कोई भी बंदा एडवांस काम या एडवांस चीज नहीं पूछेगा। तो आप लोगों ने हाई अथॉरिटी डोमेन नहीं बाय करना, बिल्कुल ब्रांड न्यू डोमेन पे काम करना असाइनमेंट 3 पार्ट 1 के लिए। अच्छा, जिसका नाम नहीं लूंगा उसने क्वेश्चन नहीं करना, वरना उस पर पेनल्टी लग जाएगी। स्क्रीनशॉट लेंगे। असाइनमेंट नंबर 3 पार्ट 1 का क्राइटेरिया मैंने बता दिया, टॉप 10 एनालिसिस सारे वो आप लोगों ने करने। आप लोग अगर देखो पहले से काम करे, अगर आप जो मैं तरीका कर बताऊंगा उससे करोगे तो आपको जल्दी जो है वो फायदा होगा। बेस्ट प्लेस टू बाय टू मैन इन बल्क आई मीन अराउंड 10। हाँ जी, आप नेमचीप से बाय कर सकते हो जावेद। अच्छा, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि कभी डोमेन आपकी जो है किसी इशू की वजह से, डोमेन में कोई इशू आता है तो एटलीस्ट आपके पास होस्टिंग तो एज अ बैकअप है। और अगर होस्टिंग में कोई इशू आता है तो आपके पास डोमेन तो एटलीस्ट बैकअप के तौर पे है। अगर एक ही जगह से दोनों चीजें बाय कर लोगे तो दोनों हाथ से चली जाएंगी। नहीं, गोडेडी के अलावा भी और भी रजिस्ट्रार्स हैं, लाइक नेमचीप के कूपन कोड आपको मिल जाएंगे। नेम चिप पे ओपन कोड, ये नेम चिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही पड़ा हुआ है। आप यहाँ से, मगर है ये सिर्फ 10% वाला। और भी कंपनीज कूपन कोड देती हैं बट गो रेडी बहुत पॉपुलर है कूपन कोड की वजह से। सर्च जुनेद, ये आने वाले दिनों की बात है कि साइट को रेडी कैसे करना है, अमेजोन की हो या करीबन की, तो इसमें जल्दी ना करो। अच्छा दीना, आपका सवाल है होम एड्रेस एंड फोन नंबर फेक यूज कर सकते हैं डोमेन के लिए? नहीं, आपने क्योंकि अपना बिलिंग एड्रेस देना होता है और उसके अलावा भी डोमेन अगर आपने फेक देना है तो उसकी बजाय मैं ये प्रेफर करूंगा कि आप जो है प्राइवेसी प्रोटेक्शन बाय कर लें, हुईज प्रोटेक्शन बेसिकली बाय कर लें। नेम चिप के भी कूपन कोड मिल जाते हैं। हाँ जी, मैंने बता दी ट्रेनिंग कीवर्ड से डिवाइस किसी वाले ही यूज करने हैं या ज्यादा वाले भी यूज करें? नहीं, ट्रेनिंग के दौरान और 4 से 5 साइटें आप लोगों ने 35 केसी वाली भी रैंक करवानी है। उसके बाद आप लोग बेशक केसी ना भी देखो, ठीक है? और 3rd मंथ के एंड पे आप लोगों को एक तरीकाकार बताऊंगा जिससे आप लोगों को केसी भी देखने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है? 3rd मंथ के एंड पे, ठीक हो गया? आप होप सो आपके सवाल के जवाब सब मिल जाएंगे। ये जो आप सवाल कर रहे हो ना अमेजोन का या क्लिक बैंक के प्रोडक्ट्स का, उसके बहुत सारे जो है वो साइट्स बनी हुई है जहां पर आप जो है अपकमिंग प्रोडक्ट्स को देख सकते हो। आप गूगल कर लो उसके बारे में। प्रोमो कोड होता है बेसिकली, एक डिस्काउंट कोड होता है, डिस्काउंट कोड होता है वो यूज करते हो आप सस्ती रूम मिल जाती हो। कूपन कोड की साइटें मैंने बता दी है, ये देखो नेम चीप कूपन कोड, गो डैडी कूपन कोड मैंने बता दिया, गूगल कर लो, ठीक है? आप डोमेन खुद बाय करोगे, होस्टिंग मेरी तरफ से मिलेगी। और आप लोगों को ऐसा तरीका कार बताऊंगा कि आप लोगों की जो शेयर होस्टिंग होगी वो डेडिकेटेड सर्वर के आप लोग मजे लोगे। जी, शेयर होस्टिंग में डिफरेंट प्लेसेस से लॉगिन हो सकते हैं, ठीक है? या आप उसको उर्दू लैंग्वेज का जो है आप यूज कर रहे हो ना। पेपाल का अकाउंट डेफिनेटली ऑनलाइन बनता है। आजकल पाकिस्तान में नहीं बनता बट मैं मजीद भी आप लोगों को गाइड कर दूंगा। जेबीजो का ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है? ओके जी, मोहम्मद हसनात असगर, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद साद खान, नोमान बट, रिजवान असलम, सद्दाम हुसैन, साकिब लियाकत, सारिक सिद्दीकी, सुल्तान अहम, सरफराज खान, सैयद अब्दुल हफीज, उबैद मायो, उमाद, जावेद, उस्मान अख्तर, उस्मान शहबाज, वेब सोनी, वरदान कुमार, विजय यादव। आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो, और जिसका नाम नहीं लिया उसने क्वेश्चन नहीं करना। बीच में टांग अड़ाओगे तो आप लोगों को पेनल्टी लग सकती है। अपकमिंग डेज में आप कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकोगे। फवाद देख लो, ब्रांड डोमेन बहुत अच्छे नाम को कहते हैं।
बाइंग कीवर्ड को कैसे देखते हैं मैंने बता तो दिया कि लाइक जो कीवर्ड में जिसमें लाइक बाय रिव्यू या इस तरह की वर्डिंग आ जाए, ठीक है। और बेसिकली जो है बाइंग कीवर्ड होता है कि जो बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्ट होता है, ठीक है। और उसके अलावा बाइंग कीवर्ड से मुराद ये होता है जो है लाइक कुछ लोग कूपन कोड फाइंड कर रहे होते हैं और मुख्तलिफ टर्म्स होती हैं बाइंग कीवर्ड्स की ना, तो वो आपने उसको डेफिनेटली आपने आइडेंटिफाई उसको करना होता है हर कीवर्ड को देखते हुए। पेनीर पे नेम वाली जगह पर क्या हमने वो नेम देना है जिस नेम से पेनीर अकाउंट क्रिएट किया है? डेफिनेटली आई पेज से डोमेन और होस्टिंग मिल जाती है। आई पेज की होस्टिंग बेकार है सर, जो सोशल सिग्नल चेकिंग की साइट का रिजल्ट सबका अलग अलग आता है, तकरीबन ऐसा ही होता है। नहीं, वो इसलिए डिफरेंट आता है कि उनके पास डिफरेंट डिफरेंट साइट्स के पास डिफरेंट साइटों में सपोर्ट है, डिफरेंट के पास नहीं। एडसेंस अकाउंट पाकिस्तान के लिए अप्रूव हो जाता है? डेफिनेटली हो जाता है, और मैं अप्रूव करने का तरीका कार भी बताऊंगा जी। आप अमेजोन की क्योंकि मल्टी पेज साइट होती है, आप उस पर भी एडसेंस लगा सकते हो, और अमेजोन के लिए भी आप लोग ब्रांड डोमेन ही लोगे। गुड ब्रांड डोमेन फाइंड करने के लिए ब्रांड नेम नेम्स मैश के नाम से कंपनी है, नेम्स मैश, नेम चेकर है, नेम चेकर, नेम चेकलिस्ट, नेम चेकलिस्ट, ठीक है। नेम्स मैश के नाम से कंपनी है, आप लोग उसको जो है वो यूज करो और ब्रांड डोमेन्स जो है सर्च करो। सदाम आपके सवाल का जवाब मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, आपने काफी जवाब पेस्ट कर दिया अपना क्वेश्चन। साकिब आप जो आज का लेक्चर जस्ट एक ओवरव्यू के तौर पे लोगे, आपको लॉगिन पासवर्ड मिल जाएगा 2 से 3 घंटे में, फिर आप प्रीवियस लेक्चर वॉच करोगे और हर 2 लेक्चर के बाद एक आप जो है असाइनमेंट करोगे। अच्छी होस्टिंग का डेफिनेटली आप रिव्यूज उसके पढ़ोगे, गूगल में जाकर रिव्यूज पढ़ोगे, आपको पता चल जाएगा। डोमेन बाय करने के लिए नेमचीत या internet.bs वहां से आप ले लो, या जो रजिस्ट्रार मैंने मेंशन किए हैं टेक्स्ट फाइल में वो। चीप डोमेन टेंडर और एक्सपेंडिचर, फर्क कोई नहीं है, रजिस्ट्रार का फर्क होता है बस, और तो कोई फर्क नहीं होता। अमेज़न से बेटर, देखो ये हर बंदे पे डिपेंड करता है, वो एडसेंस करे, अमेज़न करे, या क्लिकबैंक करे, या जो CPA सिखाऊंगा वो करे। हर बंदे की अपनी चॉइस होती है, कोई किसी से बेटर नहीं होता, जो तरीका कार आप अच्छा लगे हो। हमारी साइट कितने की सेल होगी? आपकी जितनी पर मंथ की भी अर्निंग है ना, पिछले 3 महीनों की जो एवरेज अर्निंग है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो बस। डोमेन में जो एडसेंस और अमेजोन की साइट है उसमें ब्रांड नेम, और जो क्लिकबैंक की साइट है उसमें EMD नेम जो है वो बाय करो तो ज्यादा बेनिफिट है। नहीं, आई पेज की नहीं लेनी मैंने बता दी। ओके ब्रांड डोमेन अगर फाइंड कर रहे हो तो फिर निच से मैच नहीं करना चाहिए। namemesh.com डेफिनेटली। जी जी, आप लोगों को असाइनमेंट सबमिट करवाने में रिलैक्सेशन ऑलरेडी मिली हुई है, मैंने पहले ही ग्रुप में अनाउंस कर दिया था। ओके ठीक है अभिजीत, आप क्वेश्चन बाद में कर लेना। अब्दुल हफीज, अब थर्सडे को मैं चेक करूंगा और फ्राइडे को अपडेट करूंगा, मैं डेली नहीं असाइनमेंट चेक कर सकता, ये बड़ा मुश्किल काम है। असाइनमेंट का अपडेट अब थर्सडे को जी, उसमें वर्डप्रेस की साइट बनाना सिखाऊंगा। हसनात आप जो है फरीद को टैग करो, आपको फरीद जो है
टूल देगा, ठीक है। साकिब अभी तो आपका पहला दिन है, आप पहले असाइनमेंट तो कंप्लीट करो, उसके बाद वेबसाइट का काम होगा। पहले आप असाइनमेंट वर्क कंप्लीट करोगे, उसके बाद वहीद अहमद, वहीद वकास अहमद, ये वहीद अहमद आप दो दफा क्यों छो हो रहे हैं? ओके, वहीद अहमद, वहीद अहमद, वकास अहमद, वकास महबूब, वासिफ आजाद, आप लोग अब क्वेश्चन कर सकते हो, बाकी सब ने जो है वो क्वेश्चन कर लिया। कुछ डोमेन विल ट्रांसफर ओनली डोमेन और डोमेन प्लस वेबसाइट, डोमेन ट्रांसफर करेंगे, अगर उसके साथ कोई एसोसिएटेड सर्विस होगी तो डेफिनेटली वो भी ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा डिसएडवांटेजेस ये हैं कि गोडैडी एक माफिया है, अगर आपके डोमेन में कोई इशू आ जाता है, समटाइम डोमेन प्रॉपर रजिस्टर नहीं होती तो आपके डोमेन के पैसे भी बाद खा जाता है। पब्लिक डोमेन रजिस्ट्री डॉट कॉम रजिस्टर कैसे है? अच्छा है, सिर्फ डोमेन लेता होता हूँ, बट मैंने जो जिनसे ज्यादा लेता हूँ मैं उनका नाम मैंने बता दिया। वासिफ मैंने अभी अपकमिंग डेज में बताना है वेबसाइट को इंक्रीज करने के लिए, तो आप अभी एडवांस क्वेश्चन कर रहे हो। अच्छा, डॉट यूएस या इस तरह के डोमेन्स का आप लोगों को, अगर आपने किसी कंट्री में स्पेसिफिकली रैंक करवाना है तो देन यू शुड बाय लाइक उस कंट्री की जो भी टीएलडी है उसमें। वकास अख्तर, आपको यूजर नेम पासवर्ड जो आरडीपी का है वो फरीद देगा, जिसको मैंने टूल्स की एक्सेस दी हुई है ऑलरेडी, वो आपको टाइम भी अलॉट करेगा और आपको लॉग इन पासवर्ड देगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और अपनी फीस जो है इस हफ्ते में सब क्लियर कर दें ताकि नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।